हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक नया प्रोसेस, नया ट्रिक्स। वो क्या है, आपके पास अगर फोन पे अकाउंट है, फोन पे अकाउंट से आप दूसरों को कैसे उसके अकाउंट में या फोन पे अकाउंट में आप कैसे उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका जो प्रोसेस है बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके लिए छोटा छोटा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको करने से ही आप जो पैसा आप दूसरों को अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो फोन पे से। तो वो कैसे करना है वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो दिया था फोन पे अकाउंट कैसे खोलना है, उसके साथ बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना फोन पे अकाउंट कैसे खोलना है, उसके साथ कैसे बैंक अकाउंट जोड़ना है, और उसके बाद ही आता है पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर आप सभी को हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपके पास अगर फोन पे अकाउंट है, उस फोन पे अकाउंट से आप दूसरों को कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो उसके अकाउंट में। तो वही प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो फोन पे से पैसा ट्रांसफर करने के लिए पहला जो ऑप्शन आपको करना पड़ता है वो है आपको KYC होना चाहिए। आपका जो फोन पे अकाउंट है उसको फुल KYC होना चाहिए, और आपके फोन पे अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट और ATM का लिंक होना चाहिए, तभी आप किसी को पैसा भेज सकते हो बहुत आसानी से। तो पहले KYC कर लो, उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है और ATM है उसको आप फोन पे से जोड़ लो, तभी आप कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना होगा, फोन पे अकाउंट को ओपन करना होगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड देने से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो पासवर्ड दे के आप ओपन कर लीजिए आपका फोन पे अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मनी ट्रांसफर का जो पूरा यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर टू अकाउंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आप अगर पहले किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हो तो यहाँ पर उसका अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही ब्लैंक आपको दिख जाएगा। तो नीचे यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पर कुछ फिल करना होगा, जैसे आप IFSC कोड देना होगा, अकाउंट नंबर देना होगा, अकाउंट होल्डर नेम देना होगा, आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो पहले आप जिसको पैसा भेजना चाहते हो उसका बैंक का जो IFSC कोड है आपको यहाँ पर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर देना होगा, उसके बाद आपको वही अकाउंट नंबर आपको कॉन्फर्म करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो अकाउंट होल्डर नेम है जिसको पैसा भेजना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे फ़ोन नंबर है, ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो तो उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हो। ये सब आप पहले फिल कर लो, देख सकते हो मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आप देख सकते हो सब कुछ फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर कॉन्फर्म का एक बटन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कॉन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हो उसका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर मेरा उसका बैंक अकाउंट यहाँ पर जुड़ गया। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा सिंपली बैंक अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना होगा, आप जितना अमाउंट उसको भेजना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 10 रुपीस उसको भेजना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर दे दिया, और नीचे यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पर फोन पे से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर जिसको मैं भेजना चाहता हूँ उसका अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट दे दो, देने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सिंपली सेंड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सेंड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो UPI पिन है, UPI पिन आपको देना होगा। UPI पिन आप जब फोन पे अकाउंट खोलते हो तब आप सेट करते हो UPI पिन, वही पिन यहाँ पर देना होगा। UPI पिन नहीं दोगे तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपका 4 डिजिट का UPI पिन आप दे दो। देने के बाद यहाँ पर नीचे राइट साइड में आप देख सकते हो राइट का निशान, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपली क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हो मेरा ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, ट्रांजेक्शन पेंडिंग हुआ है, तो ट्रांजेक्शन धीरे धीरे हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट से भी पैसा कट गया और ट्रांजेक्शन भी हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। तो आप भी आपका जो पैसा है ऐसे ही दूसरे के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो बहुत आसानी से, और इस पेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में आपका काम आ सकता है। तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख दो,
और इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर डन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और आप जितने भी ट्रांजेक्शन किए हो उस ट्रांजेक्शन को आप अगर देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, यहाँ पर डन में क्लिक करना होगा। पहले करने के बाद आपके सामने होम पेज आ जाएगा और पहला जितना भी आप ट्रांजेक्शन किए हो उसको अगर देखना है आपको, या अभी जो किया है वो सही है नहीं है, तो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आप जितनी सारी ट्रांजेक्शन किए हो जितने डेट में, आपके यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, फुल ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगा, कौन से दिन आप कौन सी ट्रांजेक्शन किए हो। तो ऐसे ही आपको फोन पे से आपका जो ट्रांजेक्शन है ऐसे ही आपको करना होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना, और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।